जहां प्रियंका गांधी को योगी की पुलिस ने हिरासत में रखा है, वहां आसमान पर आखिरकार ये ड्रोन कर क्या रहा है? उत्तर प्रदेश से आई ये ड्रोन वाली तस्वीर का क्या है प्रियंका गांधी कनेक्शन? दरअसल ये वो जगह है जहां कल से प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने से पहले ही रास्ते में रोक कर पुलिस ने हिरासत में रखा है। इसी जगह से प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को एक संदेश भी दिया है। हम वो संदेश भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आप सब पहले जानिए इस ड्रोन की कहानी क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये वीडियो ट्वीट कर सवाल पूछा है कि 30 घंटे से अधिक हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी जी के कमरे के ऊपर ये ड्रोन किसका है और क्यों है, जवाब कौन देगा? वहीं 30 घंटे से लगातार हिरासत में रखे गए प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को क्या संदेश दिया, आपको सुनना चाहिए। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। ऐसे में प्रियंका गांधी को योगी पुलिस द्वारा हिरासत में रखना कहां तक ठीक है, इस पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।